अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने रहमतों के साए में रखे। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं वनीला स्पंज केक। उसके लिए हमने दो अंडे लिए हैं, एक कप भर के हमने मैदा लिया है, हाफ कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है, एक कप हमने दानेदार चीनी ली है और 1/4 कप हमने बेकिंग पाउडर लिया है और थोड़े से तेल लें डेकोरेट करने के लिए। और ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अंडे वाल को हमने अच्छी तरह बीट कर लिया जूसर मशीन में, अब बाउल में डालेंगे। बिस्मिल्लाह, मैदा डालेंगे, मैदा हम छान के डालेंगे, एक कप हमारे पास मैदा है। बिस्मिल्लाह, एक टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है हमारे पास, हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में, बीट नहीं करना हमने, मिक्स करना है। अगर बीट करेंगे तो हमारा केक फूलेगा नहीं। एक टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा, ये खुशबू के लिए है, ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें। एक टीस्पून लेमन जूस जाएगा इस रेसिपी में। थिकनेस इसके आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा कम टैप कर लेंगे ताकि एयर वगैरह है इसमें से तो निकल जाए। वाइट तिल डालेंगे इसके ऊपर थोड़े से, देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। केक हम पतीले में बना रहे हैं, पतीले हमने प्री हीट कर लिए है। एक प्लेट रखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 2 मिनट हमारा मीडियम फ्लेम रहेगा, फिर हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और 25 से 30 मिनट में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाह जी, और 40 मिनट हो गए हैं, केक हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। आधे घंटे बाद हमने चेक किया था नाइफ से तो तैयार नहीं हुआ था, अभी 40 मिनट बाद हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है, नाइफ हमारी बिल्कुल साफ आई है। अब हम इसको निकालते हैं। केक हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। टाइमिंग इस पर डिपेंड करती है क्योंकि जिस पतीले में हम लोग बना रहे होते हैं उस पतीले का थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, अगर वो बहुत ज़्यादा भारी है उसका पैंदा तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। और टेम्परेचर जो आपके किचन का है उस पर भी डिपेंड करता है, अगर किचन हवादार है खुला है तो उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब इसको काटते हैं। बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त केक बना है स्पंजी, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।